इज योर होस्ट रुचित कुणाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो भाई एनर्जी थोड़ी सी लो है क्योंकि आप सबको पता है हमारी हेलू बीमार है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी 10 बजे पापा उसको ड्रिप चढ़वाने के लिए लेके गए हैं और शाम को फिर लेके जाएंगे। बट एक अब सब लोगों के लिए खुशखबरी है, जो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि उसने ग्रेवी खा ली थी, सो मैंने वहां से ही स्टार्ट करा हुआ व्लॉग। सो भाई पापा ने डॉक्टर को बताया, जैसे डॉक्टर को फोन करा तो डॉक्टर ने पूछा क्या अपडेट है, तो पापा ने कहा कि वो कहते हैं कि कैसे अच्छी रिपोर्ट है, किस सेंस में आप कह सकते हो कि मतलब कि प्रोग्रेस है। डॉक्टर ने पापा से पूछा तो पापा ने बताया कि हेला खुद उठ के सुसू करने गई अपने लीटर बॉक्स में, और दूसरा कि उसने आज सुबह एक चम्मच जितनी ग्रेवी खा ली है। तो कहते वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर ने कहा, और ये मतलब अब उम्मीद है कि हेला कवर कर जाएगी। और मेरी मम्मी ने भी ये कहा था कि हेला हमारी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, वो कवर करेगी। और आप लोगों ने इतनी कमेंट करी, इतनी दुआ करी यार, भाई थैंक यू यार, अब पता चल गया आप लोग मेरी मतलब सच में फैमिली हो यार, सिर्फ खुशी में नहीं तुम दुख में भी साथ हो। तो भाई अपनी आरपी फैमिली के लिए ना भाई पूरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, और इसलिए #RPFamily कमेंट सेक्शन में भर दो। और बताता हूँ आप लोगों को, अभी मैं फार्म पे ही हूँ, सो हेला का जब ड्रिप चढ़ेगी ना शाम को तो मैं आप पापा को कहूँगा कि थोड़ा सा शूट कर लें, तो आप लोगों को वो भी दिखा दूँगा। बाकी अभी एक्वेरियम से पानी वगैरह मैंने चेंज करा है, अभी एसी मैंने ऑन नहीं करा हुआ क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, कूलर मोर देन इनफ है अभी के लिए। और हमारे टैंक्स देख सकते हो आप, ये देखो कैसा लग रहा है टैंक, आज मैंने इनके ऊपर भी स्प्रे पानी स्प्रे करा हुआ है, ये देखो ठीक है ना, तो ये कितनी अच्छी साफ सुथरी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमारी ओस्कर, और इस टैंक में मैंने दो लाइट्स लगाई हुई है, एक प्लांट्स के लिए और एक फिशेस के लिए, फिशेस वाली हो रही, सो इसलिए ये दूर से जो दिख रहा है ना इतना सुंदर, ये इसलिए दिख रहा है। और यहाँ इनकी फाइट चल रही है, एक फिश मैंने अलग से रखी हुई है। ओहो हो, ब्रूनो आ गया, ब्रूनो आ गया, ब्रूनो एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग सेशन है ना, तो ब्रूनो आ गया, 11 बजे आता है ब्रूनो। कहाँ गया ब्रूनो, आ जा भाई ब्रूनो, छोटू छोटू उस्ताद चले छोटू उस्ताद। सो दोस्तों ब्रूनो ये देखो कितना बड़ा है, ब्रूनो हमारा स्टूडेंट है, ये ट्रेनिंग पे आता है फतेहाबाद से, रोज अप डाउन करता है। आप लोगों को भी अगर ट्रेनिंग करवानी है तो आप हमारे पेडोस्टी पे कॉल कर सकते हो, अब तो गूगल पे भी आप जी गूगल पे सर्च करोगे पेडोस्टी तो आपको वो यहाँ पहुँचा देंगे, लोकेशन वगैरह सब है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, गूगल पे ना आप सर्च करो पेडोस्टी और वहाँ पे आ जाएगा, और उस पर यार रिव्यूज वगैरह दे दो अपने भाई की, अपने भाई की प्रॉपर्टी है आप लोगों के भाई की, तो रिव्यू दो, वीडियोज फोटोज डाल दो ताकि यार रेटिंग आए और अपना पेडोस्टी ऊपर चले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने रिव्यू दिए या नहीं दिए, ठीक है, मेरी फैमिली की देखते हैं आरपी फैमिली कितनी रिव्यूज देगी। और कमेंट्स में ना वहाँ पे #RPFamily लिख देना, तो अपनी पावर दिखाते हैं, ठीक है। और ये ब्रूनो इसको एक महीना हो गया और इसकी एक महीने में बहुत सारी ट्रिक्स सीख चुका भाई ये। ब्रूनो ना नमस्ते कर रहा है, अभी मैंने खड़ा कर दिया इसको नमस्ते करने के लिए क्योंकि राकेश आ गया, तो राकेश को अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहा है, ये देखो ये राकेश आ गया तो इसको रिस्पेक्ट दिखा रहा है, नमस्ते कर रहा है ब्रूनो ब्रूनो नमस्ते कर रहा है भाई मैंने इसको खड़ा कर दिया था कि ये राकेश आ रहा था, तो नमस्ते कर ब्रूनो, आ जा ब्रूनो, वॉक भी करेगा ब्रूनो, ब्रूनो इधर आ बेटा, आ जा बेटा, छोटी सी जान है यार, आ जा चल, आ जा, नहीं ऐसे नहीं प्रॉपर, छोटे बच्चों की जो छोटी टॉय ब्रीड्स है उनकी अंदर यहाँ ट्रेनिंग होती है, और शाम को तो पार्क में होती होती है, अभी मौसम अच्छा है आज बाहर, बाकी अंदर सही हो जाती है इनकी। सो दोस्तों फार्म पे मैंने एसी चला दिया है, और भाई पहले तो मैं कूलर चला के सो रहा था, फिर मैं सोचा जब एसी है तो एसी चला लेते हैं, और एसी चला रहा हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, ये देखो लाइट से, हाँ अब देखो आगे हमारी छोटी छोटी बच्ची बाहर, ये मुझे जानती है, वैसे अगर कोई नया बंदा होता है ना तो वही नीचे छुप जाती है। अरे ये देखो इसमें हमारी, ये गप्पी टैंक है हमारा, इसमें हमारी कई सारी गप्पीज है, इसमें नई गप्पी डालूंगा मैं, और एक फिश इसके अंदर भी है, चॉकलेट है ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो रही थी, लड़ाई कर रही थी, तो इसको एक यहाँ डाला है, नए टैंक में शिफ्ट करेंगे इसे। नारियल पानी पिला रही है ना, अभी इसको
सुबह से कितने 5-6 बार लूज मोशन लग गए, मोशन नहीं रुक रहे, बस अभी लगाए बैठे। ये देखो ये कितने 4 बार तो बेचारे ट्रायल कर चुके हैं। चलो अभी एक बार फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ इसको, डॉक्टर साहब ड्रिप लगाएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे तो बताते हैं। अभी इसको कई बार दस्त लग चुके हैं, डॉक्टर साहब को देखेंगे, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ड्रिप लगाएंगे इसको, तो बाकी आगे बताते हैं इसकी क्या भी अपडेट है डॉक्टर साहब के पास पहुँचने के बाद, क्योंकि अभी भी इसको लूज मोशन लग रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं इसका। ला दिया और क्योंकि इसके लूज मोशन रुकन नहीं लग रहे, और मैंने अपनी तरफ से ये जुगाड़ करे हैं इसकी, ये शुशु और पोटी वाली जो जगह से ना बाल हटा दिए मैंने, ताकि इसके बार बार भरे नहीं बाल, और फिर बार बार पीले हो जाती थी, बार बार वो धोनी पड़ती थी, इरीटेट हो गई थी, इसलिए मैंने गर्म गर्म पानी में नहला के इसको, और ये लूज मोशन नहीं रुक रहे, सबसे बड़ी गलत चीज़ ये हो रही है, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, जो अभी बार चेक करें टेम्परेचर, हाँ 97 था रात से, तो प्रोग्रेस हो गया, अभी देखें एक बार दोबारा, हाँ दोबारा देखो आप लेके आओ इसका, तब थोड़ा सा ड्राई रहता है, मैं ड्राई कर दूँ और फिर लेके आओ इसको, देखो हेलो 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 बोलो बेटा, अरे 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 दिखा दे, अच्छा तू दिखा दे चमको, कैसा मैं बेटा, कैसा मैं बेटा है, कैसा मैं बेटा, कुछ भी खाती है वही साथ के साथ निकल जाता है, अगर इसका लूज मोशन रुक जाए ना तो शायद कुछ प्रोग्रेस कर ले, और बाकी आप लोगों की दुआएं हैं भाई, करो सभी हेलो हम सब की है, शायद किसी न किसी की प्रेयर भगवान सुन ले, अभी ये कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आई नहीं है अभी, डॉक्टर ने बोला कि अगर 100 प्लस इसका टेम्परेचर रहता है तो प्रोग्रेस कर जाएगी और लूज मोशन रुक जाएंगे, तो अच्छी बात यह है कि इसकी उल्टी नहीं आ रही है, वोमिटिंग नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन खाती है साथ के साथ उसी टाइम पट्टी वैसे का वैसा निकल जाता है। चलो एक बार इसका फीवर चेक कर लेते हैं, हाँ चेक करो उसका बताओ थोड़ा। तो दोस्तों जो आपने कल व्लॉग देखा था परसों, उससे आज सेकंड डे है, उसके बाद एक डे छोड़ के, और कल तबीयत खास नहीं थी है आलू की बिल्कुल भी, और आज सुबह तक भी नहीं थी, बट अब प्रोग्रेस दिखा रही है ये, मम्मी की भी जान में अब जान आई है, और पापा की भी, पापा और मम्मी फुल मेहनत कर रहे हैं भाई इस पे, और बस बता क्या बताऊं, इस फ्लोर पे ये दोनों हैं, और ऊपर थोर और कोनी के बच्चे हैं, तो उन सब की केयर करनी, कल परसों से इसका पंखे नहीं चल रहे, हाँ उधर इसका टेम्परेचर डाउन चला गया, तो एसी में कुछ जब पंखा ही नहीं चला तो इससे तो ऐसी बात है, क्योंकि हेलू का टेम्परेचर डाउन आ गया था, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो वो इसके लिए खतरा है, तो हमने इसको घर में इसको बिठाया रखा, इसको नीचे भी टच नहीं होने दिए, इसकी चादरें बिछा रखी थी पूरे लॉबी में, और सुबह आज हमने इसको नहलाया है गरम गरम एक बाल्टी पानी में पूरे, और फिर एक घंटा पूरा ड्रायर किया मैंने, वेरी हेलो हिट वाला ड्रायर से, वेरी हेलो, तब इसका टेम्परेचर अप होया, तो अभी और इसकी कटिंग भी कर दी है मम्मी और ने, हाँ, अब जान में जान कैसे हम भी क्यों बोल पा रहे इतना, क्योंकि वही हेलो खुद उठ के आई वहां से स्ट्रेस निकाल के, और यहाँ पे अपना स्ट्रेस निकाल के भाई, ये बड़े दिनों बाद ऐसे, मतलब जो इसके जो सुंदरता है ना वो चीज दिखी इसके चेहरे पे, मैं तो अभी अभी आया था, हाँ बाकी मेरे आंसुओं के निशान हो चुके हैं, हेलो ये देखो बहुत, अरे भाई इतना सुनने लग गई है, देख मेरी बेटी, हेलो हाँ, और ये पानी पी के आई है, ये आप सबको पता है इसके लिए, और आज खुद पोटी करके आई है ये, और ये देखो अभी, और यहाँ कटिंग कर दी है इसकी, वीडियो बनाई है, हाँ
वो तो आपने देख ली होगी अभी तक। बाकी हेलो ठीक है भाई, अभी हिम्मत हमें भी लगा कि जब ये हेलो खुद घर में से निकल के और यहाँ आके स्ट्रेस निकाला इसने और खुद अपना वहाँ पे पानी और ग्रेवी पी लेती है ये। तो ग्रेवी के अंदर पानी डाल के आप शुरू किया हमने एक घंटा पहले, क्योंकि इस ये डिहाइड्रेशन हो गई थी इसको, इसके शरीर में पानी का नाम भी नहीं था तो ये दिक्कत थी, तो इसलिए फिर इसको पानी की तो बहुत जरूरत है। ऊपर से इसका टेम्परेचर भी लो चला गया था, अभी भी लो है बट अभी उम्मीद है कि उठ जाएगा क्योंकि ये हिम्मत दिखा रही है अब। 97 हाँ, बस ये थोड़ा सा टेम्परेचर और उठ जाए ना, और ये ऐसे ही खाती रहे और लूज मोशन ना लगे इसे, तो बेटी अपनी ठीक हो जाएगी। है ना हेलो, है मैं बेटू, हेली मैं बेटी है। और अब तक तो गुड़ गुड़ भी कर रही है जैसे बिल्ली, ये करती नहीं थी ऐसे गुर गुर। भगवान जो इतनी प्रे करी है इसके लिए, इतना भगवान के आगे जो प्रे करी है, कुछ प्रसाद भी बोला है बहुत से मेरी फ्रेंड सर्कल में भी, मेरे फ्रेंडों ने भी इसके लिए प्रसाद बोल रखा है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत अपने को कि आज, और अगर ये ऐसे रहेगी ना तो कल की अपडेट और अच्छी मिलेगी आप लोगों को। तो अब हेलो अपनी लग रहा है कि बच जाएगी। हेलो बहुत है तेरे साथ, बहुत दुनिया है ठीक है, तो तुझे ना उन सब की उम्मीदों पे उतरना है बेटा, पूरी हिम्मत रख। और लग रहा है क्योंकि अभी ये उठ के गई, वहाँ पे गई, स्ट्रेस निकाला और अपने वो फील में बैठी जैसे बैठती है, तो लगा कि मतलब कि हो जाएगा। बाकी आपको अपडेट इस व्लॉग में मिलेगा ही आज का, आज के दिन का। तो चलो अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। तूने पिया नहीं था बेटा, अपने आप पी लेती ना तो फिर नहीं पिलाती मैं तेरे को, अपने आप पी लेता ना तो फिर मम्मी नहीं पिलाती देखो, अब जो अपने आप तो पीता नहीं, मम्मी को तो पिलाना ही पड़ेगा। नारियल पानी पिला रही है मम्मी देखो, और थोरू भी हलस किससे दूर नहीं जा रहा बिल्कुल भी, इसके पास ही बैठा और देख रहा है कि क्या हुआ है, और पूरा ध्यान दे रहा है थोरू पूरा, मतलब ये इसी मोमेंट में नहीं हर मोमेंट में पास आके दो दो मिनट में इसको देख के जाता है कि तू ठीक है ना। और ठीक है अभी हेला ठीक है, इसने अभी पोटी नहीं करी है उसके बाद से, मतलब दस्त नहीं लगे इसको, मतलब लूज मोशन नहीं लगे, सो ठीक है। और ये इसको ना जब जबरदस्ती पिलाना पड़ रहा है क्योंकि इसने वाटर इनटेक थोड़ा कम लिया था, पहले तो पी लिया था, अब उसके बाद इसने 2 घंटे या 3 घंटे से कुछ नहीं पिया है, तो फिर इसलिए इसको नारियल पानी पिला रहे हैं। बाकी इसने ना पाइप पी ली अपनी, और अब ये हिम्मत भी दिखा रही है ना मम्मी, और इसका टेम्परेचर भी उठ गया है, 99.9 हो गया है, तो ये अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और रह गया फिर इसका टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी हेलो सही हो रही है, टेम्परेचर भी उठ गया है, और मतलब कि अब जितनी भी चीजें हो रही है सारी प्रोग्रेस में हो रही है, तो आप सबकी दुआ काम आ रही है, तो और दुआ करते रहो भाई। और अब ठीक है, मैं भी मूड अच्छा है मेरा, मम्मी और का भी सबका अच्छा है, क्योंकि हेला ठीक होती जा रही है ठीक है। तो भाई अपने कमेंट सेक्शन भर दो भाई हेला के लिए, और हाँ यार अपने गूगल पे जाके पेट डाइवर्सिटी सर्च करना और वहाँ रिव्यूज दे देना यार अच्छे अच्छे, और ताकि अपने पेट डाइवर्सिटी वाला भी थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। गूगल पे जाओगे सर्च करोगे पेट डाइवर्सिटी फार्म, तो हिसार में लोकेशन दिखाएगा मैप वगैरह में, तो वहां जाके रिव्यू दे देना, और वहां पे कमेंट में हैशटैग आरपी फैमिली लिख देना, देखते हैं अपनी आरपी फैमिली कितनी पावरफुल है ठीक है। वैसे तो मैंने देख लिया क्योंकि हमारी हेला के लिए इतनी प्रे करी है उन्होंने, बट अब थोड़ा सा इधर भी कर देना ठीक है। चलो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में मिलेंगे और हेला का नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट देंगे। और हाँ आज का, आज पता है आज इस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज थोरू का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे थोरी, नेक्स्ट ब्लॉग में उसकी सारी अपडेट्स आएगी।